हेलो डियर फ्रेंड्स, कच्चे केले की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई और खाई होगी, लेकिन आज हम इस सब्जी को कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। इसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन इसकी लुक और टेस्ट बिल्कुल फिश करी की तरह होगी। इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की यम्मी सी रेसिपी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए किचन की ओर चलें। देखिए, मैंने 4 कच्चे केले लिए हैं, आप जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। सबसे पहले केले के दोनों किनारों को चाकू की मदद से कट करके हटाएंगे, फिर इस तरह से केलों को छील लेंगे। ये बहुत आसानी से छिल जाते हैं। केले से हरे पार्ट को अच्छी तरह से छील कर साफ कर लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने केले को किस तरह से कट किया है ये क्लिप गलती से डिलीट हो चुकी है, इसलिए मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पा रही हूँ। ध्यान से देखिए, केले को मैंने इस तरह से कट किया है, आप भी इसी तरह से कट कीजिएगा। इन्हें काटने के बाद अच्छी तरह से साफ करके एक दूसरे बर्तन में रख देंगे। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। सभी चीजों को अच्छी तरह से फैला कर डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसे भी चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसकी जगह किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और साथ ही 1 चम्मच चावल का आटा भी डालेंगे। अगर ये दोनों आपके पास ना हो तो 2 चम्मच मैदा ऐड कर दें। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, सभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अभी इसे साइड में रखकर 1 कटोरी में 3 बड़े चम्मच दही लेंगे। दही में डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए। इसके बाद इन सभी को अच्छी तरह थोड़ी सी पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। मसाले तैयार हैं, अभी हम इसे साइड में रख देंगे और इधर तेल अच्छे से गर्म कर लेंगे और केले के सारे पीसेस को फ्राई करेंगे। ये 4 से 5 मिनट में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और कुरकुरे हो जाएंगे। बीच बीच में इन्हें पलटते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। केले के पीसेस में मैंने छोटे छोटे होल कर दिए हैं, जिससे ये बिल्कुल फिश की तरह नजर आ रहे हैं। आप भी चाहें तो छोटे छोटे होल कर सकते हैं। केले की सब्जी बनने के बाद ये बिल्कुल फिश करी की तरह लगेगी। तो देखिए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। ये फ्राई होने के बाद बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। आप चाहें तो 1-2 पीस ऐसे भी खा सकते हैं, मैंने तो खा लिया था, बहुत ही यम्मी लगे। अभी हम इसे अलग रख देंगे और ग्रेवी बनाएंगे। एक दूसरी कढ़ाई गर्म करेंगे और फ्राई की हुई तेल 3 चम्मच ऐड करेंगे। साथ ही 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे और इन्हें चटकने देंगे। जब ये थोड़ी चटक जाए, इसके बाद 1 प्याज और 2 हरी मिर्च को काट कर डालेंगे। प्याज को मैंने बारीक काटा है और हरी मिर्च को लंबाई में। अभी प्याज को थोड़ी देर चलाते हुए भून लेंगे। साथ ही 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर भूनेंगे। जब ये सभी भून जाए, इसके बाद 1 टमाटर ऐड करेंगे बारीक काट कर। साथ ही नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, जिससे कि टमाटर अच्छी तरह से जल्दी गल जाए। इन्हें लगातार चलाते भी जाएंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगी, तब हम इसमें दही वाले मसाले ऐड करेंगे, जिसे हमने पहले बनाकर तैयार करके रखा है। साथ ही थोड़ी सी पानी डाल देंगे। अब मसालों को लगातार चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से इन्हें भून लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मसालों को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। देखिए, लगभग मसाले भून चुके हैं, इसमें तेल भी सेपरेट होने लगी है। इसी स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी लगभग मैंने 1 ग्लास ऐड किया है। एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तब तक इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे, इससे हमारी करी और भी स्वादिष्ट बन जाएगी। साथ ही 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। एक बार इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, ग्रेवी में बॉईल आ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे केले के पीसेस को, जिसे हमने फ्राई करके रखा है। इन पीसेस को हम एक एक करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। इन सभी को डालने के बाद ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें पकने देंगे। तो लीजिए, हमारी फिश करी की तरह दिखने वाली कच्चे केले की करी बिल्कुल बनकर तैयार है। इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हरा धनिया डाल देंगे। देखिए दोस्तों, लग रही है ना, बिल्कुल फिश करी की तरह, और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है।
दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इजी और यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।